हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लांट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये इसको हम इम्प्रूव करेंगे। ये हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस, वन ऑफ आवर स्टूडेंट क्रिएटेड दिस एंड उन्होंने इसको बनाया है। इट्स लाइक अ ब्रोशर और ये किसी ओकेजन के बारे में है एंड उन्होंने जो ये बनाया है दैट्स ओके फॉर अ बिगिनियर्स, क्योंकि उनको ये चीज करते हुए हार्डली 2 या 3 दिन हुए होंगे वाइल लर्निंग दिस, जब उन्होंने ये बनाया है। तो आपको मैं बताऊंगा कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड मैं उनको बता चुका हूं, बट इसको मैं दोबारा आप लोगों के लिए बना रहा हूं जीरो से। और आपने देखना है जो बिगिनियर्स हैं और आपको एक्सरसाइजेस, एक्चुअल में इस तरह की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, कहीं भी कोर्स कर रहे हो आप, अगर जितनी एक्सरसाइजेस करेंगे उससे आपको बेनिफिट रहेगा और आपको टूल्स की ज्यादा नॉलेज होगी। अब मैं आपको टूल्स भी बताता जाऊंगा और साथ में ये भी बताता जाऊंगा कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उन्होंने बनाया है इसमें हमने, अगर अब चेक करना है ये कि इसमें क्या चीजें की गई है जो कि मतलब सही नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोशिश तो पूरी की है लेकिन इसको करेक्टली हमने कैसे करना है, प्रोफेशनली कैसे तैयार करना है, उसके ऊपर ये है कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। एवरीवन हैव देयर ओन नॉलेज, टाइप ऑफ नॉलेज, तो कोई भी इसको अपने लेवल से किसी भी बेहतर लेवल तक ले जा सकता है। सो ये पैराग्राफ मार्कर होता है, पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर एमएस वर्ड में, तो ये यहाँ पर पैराग्राफ मार्कर, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज हुई है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है, ये जो ब्रोशर है, ये जो टेक्स्ट है, इसको सॉरी इसको सेंटर अलाइनमेंट करने का कोशिश किया गया है कि इसको सेंटर में किया जाएगा। और यहाँ से देखिए स्पेसेस दिए जा रहे हैं, तो आइए अब इसको हमने क्या करना है, इन सब चीजों को हटा के इसको हमने सेंटर ही कर लेना है पहले सबको। इस तरह से कंट्रोल ए करना आपने, अगर पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करना और फिर यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर देना। जब ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा तो ये फिर कुछ इस तरह से होगा और देखिए जो डॉटेड डॉटेड हम देख रहे थे स्पेस के निशान, वो यहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद पैराग्राफ मार्कर पे क्लिक किया, ये हट जाएगा। इसके अलावा ये जो आप ब्लू डॉट देख रहे हैं ये होती है अगर हमारे कहीं स्पेस की प्रॉब्लम है, मिडनाइट हमारा होता है अगर जहां पर हमारे टेक्स्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक है, वहां रेड आ जाएगा लिख के नीचे, जैसे ये है। तो ये हमें जो स्पेलिंग्स है वो हम सेट कर सकते हैं, स्पेलिंग जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इसको सपोज लेके चलते हैं, टेक्स्ट इसमें हो सकता है कि किसी भी तरह का हो, हमने ये देखना है कि किसी भी लेवल पे हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे इसमें डॉट लगाने की कोशिश की गई है, किस तरह ये डॉट लग सकती थी, ये सारा ही हम इसमें कवर करेंगे और ये कैसे हमने अलाइनमेंट करना है। देखिए तो शुरू से करते हैं, सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट है हमारे को ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये, और ये दिवाली मेला, इनके सेंस की कोई फेस्टिवल ओकेजन है उसके ऊपर ये प्रोग्राम बनाया गया है एंड ये डेट है यहाँ पर और ये एड्रेस है लाइक दिस एंड 5 PM to midnight। सो नाउ अगर हम इसको सेटिंग अगर हमने इसमें देखनी है तो हम कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए हमें ये जो टेक्स्ट है ये एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें गैप देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट करके, क्योंकि हमने सेंटर किया था तो इसको लेफ्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा पहले स्मॉल करना है और उसके बाद एडजस्ट करना है। जैसे ये एक प्रोग्राम है रामलीला, इसमें एक प्रोग्राम है, हम इसको टैब करते हैं और टैब से हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर एक टैब हम यहाँ पे भी एंटर करेंगे और इधर से हमने थोड़ा सा इसको बैक कर देना है। हालांकि इसमें हम पेज सेटअप भी जरूरी है कि आप लेआउट में जाए सबसे पहले और इसका पेज सेटअप करें, नैरो करेंगे तो उससे ये फिर जो साइड में स्पेस है वो 0.5 आपका हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो लेफ्ट और राइट, ये जो रूलर बार आप देख रहे हैं 0.5 हो जाएगा। और फिर ये हमने टैब से किया, अब हम दोबारा से पैराग्राफ मार्कर अगर ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टैब यूज हुए हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक ही यूज करना है क्योंकि फिर वो बराबर आएगा सब में, दैट्स ओके, उनमें बराबर स्पेस रहना जरूरी है। और ये जब नीचे वाली लाइन हम देखेंगे तो तब आपको ये पूरा आइडिया हो जाएगा। जैसे ये है, अब फायरवर्क हमें चाहिए तो स्पेस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा है, फिर टाइप करना है
और ये इस तरह से स्पेस जो है इसमें वो हटा देना है। फिर मैं एंटर कर रहा हूँ और नीचे से टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ जहां पर कर्सर है। उसके बाद कल्चर प्रोग्राम्स किड्स राइट्स, यहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर इसका जो स्पेलिंग है वो काफी लंबा है, कल्चर प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है। तो अब हमारे को या तो इसको पूरे को टेक्स्ट कम करना पड़ेगा या फिर हमारे को ये इसको बैक करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसमें टैब में डबल टैब हमारे को यूज करनी पड़ेंगे ताकि पूरा के पूरे जो टेक्स्ट है वो आ जाए इस तरह से। और टैब का बेनिफिट ये रहता है कि टैब एक बारे में आपको 5 स्पेसेस छोड़ेगी, यानी कि 5 स्पेसेस एक बारे में एक टैब प्रेस करने से होता है, यानी कि 0.5 का स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे वाला देखो, इसका भी हमने टेक्स्ट चेंज करना, अभी इसका साइज देखना अपने, इस पे कर्सर पे क्लिक करना, ऊपर आएगा 18 इधर जो फॉन्ट है, फिर दोबारा इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद इसी को पे क्लिक करके यहाँ पे 18 कर दिया, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे टैब प्रेस किया तो ये इस तरह से आ जाएगा। नाउ ये हो गया जी, नीचे वाला एरिया जो है हमारा वो सेट हो गया। नाउ अब हमने इसमें एक और लाइन हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नोट के लिए यहाँ पे लिख दिया, अगर कोई नोट देना है या कोई नोट रखना है, कोई नोटिस देना है या इंसेंस की कोई चीज आपने नोटिस करवानी है ब्रोशर के अंदर, तो ऐसे थोड़ा डिजाइन के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। वो अपने आप आपको फील आना चाहिए उस चीज पे, ये एक बेसिक लेवल पे है। अभी हम देखिए इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ हाईलाइट करना हो, 5 PM to midnight सैटरडे नवंबर, ये डेट्स हमने क्या करना है कि हाईलाइट्स करना है, तो वैसे तो ये सिंपल हाईलाइट हो रहा है, बट हमने एक्चुअल में फिर इसको इम्प्रूव करने की बात है। तो शेप्स में जाके हमने कोई शेप यहाँ पे ले सकते हैं और उस शेप के अकॉर्डिंगली हम इसको डिजाइन देंगे। सो सपोज हमने ये वाला शेप हम लेते हैं, या हम दूसरा एक शेप में आपको यहाँ पर ये और शेप हम ले सकते हैं। इसके लिए शेप्स में जाना है आपने, इंसर्ट मेन्यू के अंदर, और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की शेप्स मिलेगी जो आपके इसमें काम आ सकती है, जिस जिस भी तरह का डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो। लेट मी चेक, जो इसके लिए सही रह सकती है, दिस वन आल्सो गुड। और इस तरह की हमारे को शेप इसमें चाहिए, और फिर हमने वो टेक्स्ट जो है इसके अंदर लाना है। अभी ये हमारा जो शेप है ये फ्रंट में है, हमने थोड़ा सा इसको इसको बैक कर देना है, ऑर्डर सेंड टू बैकवर्ड हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर हमें ये नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको टेक्स्ट को हटाना है यहाँ से, पहले टेक्स्ट को कॉपी कर लिया यानी कि कट करके अपने पास रख लिया, फिर उसके बाद एंटर किया, अब क्योंकि ये बैक हो गया, अब इस पे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, यानी कि जब शेप लेना आपने तो सबसे पहले ऐड टेक्स्ट करना है, वो जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर ले आना है। ये 5 PM हमने थोड़ा सा बाहर रखना है अभी, और इस तरह से हम इसको सेट करने वाले हैं। ये जो डॉटेड आ रहा है यहां से आप ड्रैग कर सकते हैं नीचे को इसको, अगर इसमें आपने चेंजेस या इस तरह का कुछ करना है। तो एक जस्ट शेप है ये, आप डबल क्लिक करें इस पे तो शेप की आउटलाइंस आपको नजर आएंगे। सो जहां पर हमने इसको हाईलाइट करना है, फॉर एग्जाम्पल हम ये रखते हैं, ये हमने जब शेप लिया ऊपर टेक्स्ट बॉक्स से, और उसके बाद हमने जो कलर है इसका वो व्हाइट कर देना है, टेक्स्ट कलर जो है वो, ये डिपेंड करता है आप जो भी डिजाइन बना रहे, जरूरी नहीं कि व्हाइट ही करना है, लेकिन जो कलर्स है, कलर कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया होना चाहिए, और ये हाईलाइट होना जरूरी है, इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं इसमें। सो इस तरह से ये हम, और ये जो टेक्स्ट है इसको भी हम थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज करके हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये और बढ़िया लगे, क्योंकि ओकेजन के अकॉर्डिंगली आपको जो डिजाइन है वो करना सेट करना पड़ेगा। जिस चीज का ओकेजन है उसी तरह की आपको डिजाइन, अगर कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट से कोई ऑफिशियल लेटर है तो वो उस तरह से डिजाइन होगा। और फिर इसको सिलेक्ट करके आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट किया, और फिर वो साइज आप इंप्रूव कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट तरीके से करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जो ग्रेटर देन का साइन होता है कीबोर्ड में, राइट टैग,
उसको प्रेस करना है। ये हो गया। अब हमने अगर कोई शेप आपको दोबारा से, अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एक बार रख लिया है तो आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, आप चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। नाउ अब हम इसमें भी थोड़ा सा फॉन्ट में इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि ये यहाँ पर, क्योंकि टेक्स्ट है तो इसको आप समय ले सकते हैं बनाने के लिए, और समय लेना जरूरी है जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, खासकर आप अगर बेसिक कोर्स सीख रहे हैं या एमएस वर्ड सीख रहे हैं तो जल्दी नहीं करनी है उसको, अपने अच्छे से करना है ताकि आपको वो ठीक लगे, यानी कि आप उसमें आपका जो हाथ है वो प्रॉपर उसमें बैठ जाए और आप उस कार्य को अच्छे से कर पाए, उसके लिए बहुत जरूरी है। एमएस वर्ड में आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेगी और जब आपको वो ठीक लगे तो आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक लेवल एक, इसको जो अरेंजमेंट था हमने जो टेक्स्ट का वो हमने सेट कर दिया। इसी चीज को अब हम एक और तरीके से देखते हैं कि हम इसको और भी, अगर यहाँ पर आपको हाईलाइट करा रहे हैं आपकी ये पड़ेगा तो फिर नीचे उसके बाद वो टाइम नोटिस करेंगे, ठीक है ये ऊपर टेक्स्ट हो जाएगा, और इस तरह से अब हमने इसमें और भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें ये एक्टिविटीज दिखाई है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिविटीज है, सो अगर हम इसमें डॉट लेना चाहें तो डॉट इसमें हम तो एक तो कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से हमने एस्ट्रिक्स जो होता है शिफ्ट के साथ आपने 8 प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ 8, तो शिफ्ट के साथ 8 जब करेंगे तो आपको एस्ट्रिक्स का निशान आएगा या सिंबल आएगा। इसी तरह से आप और भी सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, बट दैट्स वन थिंग। अब हमने अगर इसमें खुद से शेप इंसर्ट करना है तो आप शेप्स में जाओ, शेप्स में जाने के बाद आप जो भी आपने रखना है शेप्स, एक कोई शेप ले लिया इस तरह का, फिर उसी को कॉपी पेस्ट हम करेंगे और इसको डेकोरेट कर दिया जैसा भी आपको ठीक लगे। बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि ये आप उसको नहीं कर सकते हैं, इट्स ओके। जितना इसमें काम करेंगे ये और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। आप एक शेप रख लीजिए जो आपको यहाँ पर उसमें ठीक लगे। और शेप फिल में कलर आप यहां से करेंगे, आप देख सकते हैं माउस पे आप ध्यान रखें तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप ये रख सकते हैं, और अलग अलग कलर्स भी हम कर सकते हैं। अब जैसे ये, और जूम करने के लिए देखो जूम करना है, अगर आप वो सेटिंग नहीं कर पा रहे तो कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड में और फिर स्क्रॉल करना है अपना माउस, या लैपटॉप में आपको नीचे को ड्रैग करना है, जो लैपटॉप का टच पैड होता है उसको नीचे की तरफ को ड्रैग करना है कंट्रोल प्रेस करने के बाद। कम करना है जूम तो आगे को प्रेस करना है टच पैड लैपटॉप में, और जो माउस में स्क्रॉलिंग बटन होता है बीच में वो प्रेस करना है अगर आपने ये उसमें कर रहे हैं कंप्यूटर में अगर कर रहे हैं, और या आपके पास ये माउस है। सो शेप आउटलाइन हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, हमारे को किस तरह का आउटलाइन चाहिए वो भी हम सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास आउटलाइन है। शेप फिल कलर आप अपने लेवल पर रख सकते हैं, यहाँ पर तो ये फिक्स है। आप ग्रेडियंट ये रखना है वो वहां से आप रख सकते हैं, टेक्सचर रख सकते हैं, पैटर्न रख सकते हैं, पिक्चर चाहिए पिक्चर रख सकते हैं। मोर फिल कलर में जाएंगे तो वहां से आप एक पर्टिकुलर कलर भी आप सेट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके ओके किया इस तरह से। आउटलाइन का कलर है वो आप डिजाइन के हिसाब से, ये जो डॉट्स है उसको आप कलर देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं, जो भी मैचिंग या जो भी आपको सुटेबल लग रहा है डिजाइन के हिसाब से वो हमने रख दिया। और अब आप देख रहे हैं कि इसमें शेडो भी आ रही है बैकग्राउंड में, तो हमारे को ये शेडो का इफेक्ट हटाना है, तो शेप फॉर्मेट में यहाँ शेडो इफेक्ट्स है, यहाँ से इसको नो शेडो कर दिया और इसको फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, और फिर इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये हमें कंट्रोल सी दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है, एक ही बार कर देंगे तब भी चल पड़ेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर में वेरिएंट बदलाव करेंगे ताकि ये और ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आए, कोशिश रहेगी हमारी इसको इस तरह से बनाने की। लेकिन जब आप इसमें रेगुलर वर्क करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज है या कोई भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है या कोई एक्सरसाइज आप बना रहे हैं सो उसमें इम्प्रूवमेंट आती जाएगी,
और हर बार जब आप उसमें देखेंगे तो आपको कुछ लगेगा कि नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सो बेसिक लेवल पे कैसे करना है ये, तो ये इस वीडियो में हम आप जान पा रहे हैं। फिर कलर सेटिंग वो आपके ऊपर डिपेंड है, कभी भी आपने कलर यूज करने हैं तो उसमें कोशिश करें कि कलर्स मैच करें आपस में, और तीन दो या तीन तीन कलर से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, उतने में बहुत अच्छा डिजाइन बन जाएगा या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दैट लुक प्रोफेशनल इस तरह से। तो हमने ये थ्री हमने सेट कर दिया है, और इनको तीनों को सिलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल दबाना है। मान लीजिए एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है एमएस वर्ड में अगर आपने सेव करने हैं तो आपको तीनों सिलेक्ट करने हैं, ये तीन ऑब्जेक्ट हमारे को सिलेक्ट करने हैं, तो पहले एक को सिलेक्ट किया फिर कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद एक एक करके इन तीनों पे एक एक करके दोनों बाकी दोनों पे क्लिक किया। उसके बाद आपने क्या करना, राइट क्लिक करके इसको ग्रुपिंग करनी है, उसी शेप पे ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करना और फिर ग्रुपिंग में जाना, और यहाँ पे आएगा ग्रुप लिख के। इस ग्रुप पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि ये एक ही बन जाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक ही मतलब ये समझ लो आपकी ये एक ही हो गया है, तो ये अलग अलग, लेकिन हमने इनको ग्रुप कर दिया, यानी कि जब हमने मूव करना है किसी को तो हमें इनको एक ही बार कर देंगे, और तीनों अलग अलग नहीं करने पड़ेंगे, तो ये ग्रुपिंग का बेनिफिट है। और तीनों को सिलेक्टेड है देखिए, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया, आप देख सकते हैं कि तीनों एक साथ आ गए, नहीं तो अगर ये मेरे को वैसे करने होते तो इसमें टाइम लगता। और जिधर भी आपको चाहिए ये उधर आप इसको ऐड कर सकते हैं। और अब देखिए यहां पर जब ये हमारे फिनिश हो जाएंगे तो यहां पर इन दो की जरूरत नहीं है मान लो, तो आपको राइट क्लिक करना है, तो इसको हमें अनग्रुप करना पड़ेगा जहां हमने नहीं चाहिए, तो एक एक करके फिर सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना है क्लिक करके, और वहां से ये फिर आपका अपने आप हट जाएगा इस तरह से। सो ये हो गया फ्रेंड्स, और इसका जो कलर है इसको मेरे को ब्लैक करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद आप, क्योंकि दिवाली मेला है तो आपको ये और डेकोरेट करना है, अगर आप ब्रोशर बना रहे हैं, हम इससे नेक्स्ट लेवल पे अब जाते हैं। इसको मैं वैसे सेव करके रखता हूं देखो, और यहां पर हमने और इसको अधिक डेकोरेट करने के लिए और शेप्स आप ले सकते हैं, अलग अलग डिजाइन आप बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे अपना क्रिएटिविटी यूज करते हैं या किसी डे दिन आपका क्रिएटिविटी किस तरह काम करता है। सो उस लेवल पे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। लेट्स सी, ये एक अच्छा शेप है जिसको हम यूज कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। कलर आप अपने लेवल पे रखें, जो भी कलर आपको चाहिए, लेकिन वो मैच होने जरूरी है जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे हमने ये कलर रखे हैं तो मैक्सिमम आप ये इन कलर्स का यूज कर सकते हैं, हालांकि हमारे को जो ये कलर है ये मेरे को लग रहा है कि बदलने पड़ेंगे, ब्लू की जगह इसको कुछ और किया जा सकता था। एंड जो शेप से जो आपका ड्राइंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे करना है। इसमें समय लग सकता है लेकिन हम थोड़ा इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कम समय में ज्यादा पता लग जाए। दैट्स ओके, इस तरह से इसको एडजस्ट करना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फिर इसमें कलर के वेरिएंट देने हैं तो कलर के वेरिएंट भी आप दे सकते हैं, तो हमने ब्लू नीचे यूज किया है तो चलिए ब्लू यूज कर लेते हैं, और एक हमें जो है ये वाला ऑरेंज हम यूज कर रहे हैं, ऑरेंज कलर तो बैकग्राउंड में ये हमने यूज किया। अब इनको तीनों को अभी देखो एक ही हमने करना है कि ग्रुपिंग कर देनी है, ये हमने ग्रुप कर दिया, तो अब हमारे को इसको इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। दैट्स आल्सो गुड डेकोरेशन स्टाइल लाइक दिस, बाहर भी प्रिंट हो जाएगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है दिक्कत, लेकिन अगर ये अंदर रहे तो ज्यादा बढ़िया है। कोशिश ये करनी है कि वो इस तरह से रहे, ऐसा लगा होना चाहिए कि भाई ये इधर ही लगे हुए। और इन दोनों को भी फिर इस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है, दो जो इकट्ठे ग्रुप से उनको इस तरह से, और अगर घुमाना है इनको दूसरी साइड को तो इस तरह से इसको हम मूव भी कर सकते हैं, बट मूविंग का जो फंक्शन है एमएस वर्ड में वो उतना स्मूथ नहीं है,
इन द सेंस कि अगर हमने उसको दूसरे साइड को रोटेट करना है, सो दैट्स ओके, हम इसको एक ही करके भी ले आते हैं इस तरह से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैंने किया नहीं था, तो इस तरह से आप इसको दोबारा वापस लाओ, ये हो गया। डिजाइनिंग टेक टाइम, और तो फिर बढ़िया भी बनना जरूरी है। वो दिवाली को मैं कलर चेंज करने वाला हूँ, सो लाइक दिस, और इसके कलर इसके साथ ये मैच कर रहा है, बट ये बहुत ज्यादा ना हो जाए तो मैं इसमें दूसरे वेरिएंट भी चेक करूंगा कि किधर ये ठीक लगेगा, और अगर ये शेप सही नहीं लग रही है तो आप इसको कभी भी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये टेक्स्ट को कॉपी करना और इसको रिमूव कर दिया, दूसरी शेप लेते हैं, यहाँ पर ये शेप हम लेते हैं जरा, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमने राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट आप कर सकते हैं, और इस तरह से फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कलर चेंज करना पड़ेगा तो अंदर जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज होके आ जाएगा। मेन ये है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो रीडेबल होना चाहिए, वो पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप डिजाइन, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा डिजाइन करना है और डिजाइन तो आपने बहुत सारा कर दिया लेकिन वो पढ़ने में अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो जो भी हम डिजाइन बनाए वो नॉट ओनली कि वो दिख अच्छा रहा हो, बट ऑल्सो कि वो रीडेबल हो, वो इजिली पढ़ा जा सके। चलिए इसी को हम रख देते हैं, और शेप आउटलाइन को हम इसे ये मैं इसीलिए आराम आराम से बना रहा हूं हर एक चीज आपको, ताकि आपको दिखता रहे, और क्योंकि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट उस तरह से, ये ऑप्शंस है आपके पास जो आप यूज करते हैं शेडो के अंदर, डिपेंड करता है आपके डिजाइन को कौन सा सूट कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है। सो ये हो गया एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया, अब इसी का ही देखिए हम एक और लेवल पे भी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर हमने शेप लेनी है इस तरह से, अगर हमने बॉर्डर भी बनाना है, ये पैटर्न बने बनाए भी आपको मिलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि भी बनानी पड़े, बट अगर एज अ स्टूडेंट बेसिक और स्टूडेंट अगर आप इनको खुद बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, यानी कि बहुत अच्छा लगेगा अगर आप खुद बनाएंगे, आपको एक बार बनाने आ जाएंगे तो जब आप नेक्स्ट लेवल पे डिजाइनिंग करेंगे, अभी तो चलो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बना रहे, कल को ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे, फोटोशॉप सीखेंगे, इलस्ट्रेटर ऑपरेट करेंगे, तो अलग अलग टूल्स जब आप फ्यूचर में यूज करेंगे देन आपको ये बड़ी हेल्प करेगा, जो एमएस वर्ड पे जो आप आज ये बेसिक चीजें सीख रहे हैं आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उन चीजों को सीखने में, क्योंकि आपका जो बेसिक स्किल्स है दे आर सो गुड। सो उस तरह का ये बेनिफिट रहता है कि अगर आप बेसिक चीजों में बेसिक लेवल पे एक्सरसाइजेस करें, ये मैं आपको एक लिंक दूंगा इसमें नीचे 19 एक्सरसाइजेस अभी तक वो मैं उसमें ऐड कर पाया हूं, बाकी भी ऐड करूंगा, तो वो बेसिक और स्टूडेंट्स के लिए आप गूगल भी करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सरसाइजेस, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा। ये इस तरह से आपके ऊपर है डिजाइनिंग, जो आपका क्रिएटिविटी है, कई बार होता है कि आपका माइंड ना चले या आप बोले कि जी मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं या अच्छी नहीं हूं, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो ही चीजें आपको समझ आएगी। किसी की भी डिजाइनिंग अच्छी नहीं होती और किसी को भी नहीं पता होता पहले कि भाई उसकी डिजाइनिंग कैसी है क्या नहीं है। बात इसमें नहीं है कि हमारे को क्या किस में हम अच्छे या नहीं है, मेन टॉपिक ये है कि हमने जो भी हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे हमने काम करना है, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, दैट सिंपल, ये हमें करना होता है। और इसी को ही करने के लिए हमें भले समय लग जाए, इसमें एक घंटा लग जाए बनाने में, कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हम नहीं बना रहे हैं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे हैं कि भाई हमने अपनी तरफ से बेस्ट करना है कि इतना हम कर सकते थे और ये हमने किया,
दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप चीजें करेंगे तो आप उनको कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लोग इम्प्रेस नहीं होते हैं। बट ये बहुत जरूरी है कि हम सीखें, अगर कोई दूसरे हमारे से बेहतर है तो हम उनको भी सीखें, उनसे भी सीखें और इम्प्रूव करें अपना जो लेवल है डिजाइन है। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अभी देखिए, कभी भी आपने डॉक्यूमेंट इस तरह का हो तो दूसरा पेज नहीं रहना होना चाहिए उसमें, और इसको बैक स्पेस से आप इस तरह से आप मूव कर दो, उसके बाद डिलीट करके ये एक ही पेज रहना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये एक बेसिक हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया, और आप देख सकते होंगे कि ये पहले कैसा था अब ये कैसा है। दैट्स ओके, अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि भाई इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है इसमें और इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत हो, और श्योरली होगी। जब आप इसको बार बार देखेंगे, हर बार हर दिन ओपन करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज बदलनी थी, लेकिन क्योंकि ओकेजन के अकॉर्डिंगली आपको चीजें करनी है। अब नेक्स्ट लेवल में आप बताता हूँ इसमें, देखो आपको कि अगर इसमें हमारे को पिक्चर इंसर्ट करनी पड़े तो कैसे करेंगे, कहाँ पर पिक्चर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इन पॉइंट्स पे आप पिक्चर्स ऐड कर सकते थे, लेकिन पिक्चर्स ऐड करना हाउ, तो आपने इंसर्ट में जाना है। जब भी आपने पेज के ऊपर कुछ लाना है तो इंसर्ट में जाना पड़ेगा, एंड दिस डिवाइस पे जाके, या अगर आपके इस कंप्यूटर में है तो आप कंप्यूटर से करें, अगर ऑनलाइन आपने पिक्चर लेनी है तो ऑनलाइन पिक्चर में जाए। ये क्रिएटिव आप बिंग इमेज सर्च आएगा इसमें। अब जैसे दिवाली है तो हमने दिवाली का इमेजेस ढूंढना है, और फिर कोशिश करनी है कि हम उसको अपने डिजाइन में ऐड कर पाए। अगर तो आप ये डिजिटली इसको रख रहे हैं, या डिजिटल डॉक्यूमेंट या पीडीएफ बना रहे हैं, या एज अ न्यूज़लेटर आप सेंड कर रहे हैं इसको किसी ओकेजन के लिए, सो वो अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं, अलग अलग लेवल पे आप सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट में आपको ये अच्छे पेपर पे प्रिंट करना पड़ेगा, पिक्चर तभी उसमें अच्छे से आएगी। और अगर आप डिजिटल रख रहे हैं तो डिजिटल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। सो जो आपको इसमें इससे रिलेटेड जो इमेज आपको लग रहा है वो आप सेट कर सकते हैं। लेट मी चेक, फॉर एग्जाम्पल ये भी ठीक है, और ये भी आपका इस ओकेजन में चल चल जाएगा। लेट्स चेक, इंसर्ट पे क्लिक करें। सो ये इमेज है फिलहाल, देखिए ये इसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि भी ये फ्री है क्रिएटिव कॉमन के अंदर, बट आप इस टेक्स्ट को फिलहाल हटा दें, और इसको हमने ये करना है कि इसको हमने बैकग्राउंड में सेट करना है। इसमें इफेक्ट्स भी है, देखिए इमेज इफेक्ट्स जो होंगे वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आपने कर देना है, ताकि हम इसको मूव कर सके, ये इजीली मूव हो जाए राइट क्लिक करके, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके इसको वार्प टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हमें करना है। वन सेकंड, ये डायरेक्ट इमेज, क्योंकि ये इमेज इसके बॉक्स के अंदर है, एक और बॉक्स है उसके अंदर इमेज है, तो हमारे को ये तो पहले बॉक्स हटाना पड़ेगा, और ये हमें इस तरह से इमेज लानी पड़ेगी। सो वो बॉक्स, इस इमेज को हमने मैंने कट किया, कॉपी किया, और जो बैकग्राउंड था उसको डिलीट किया, जो दूसरा बॉक्स था उसको मैंने हटा दिया। एक बार दोबारा मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसे उसको समस्या को दूर किया। ये देखिए डबल शेप है, एक भी है एक भी इधर भी है, तो ये ना मूव नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने अंदर वाले को सिलेक्ट किया पहले, ये अंदर वाले को ही सिलेक्ट किया, ये होगी सिलेक्ट। अब इसको मैंने कट किया, या आप इसको बोल दो कि कंट्रोल एक्स प्रेस किया आपने इसके ऊपर, फिर ये शेप बच गई, इसको किया मैंने डिलीट, और जो मैंने वो कट किया था अब उसको किया पेस्ट, तो दैट्स ओके। नाउ ये हो गया। अब मैंने देखना है कि मेरे पास क्या डिजाइन ऑप्शन है, तो डबल क्लिक करना है आपने, इसमें क्या क्या डिजाइन ऑप्शन आ रहे हैं पिक्चर फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इमेज को दिखाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए। सो दैट्स ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सेट करें, तो अब हमें ये भी देखना है कि वो कहाँ पर आ सकती है, किस तरह से बेटर वो आ सकती है, इमेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और जिधर आपको चाहिए ये, अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आप इसको वर्ब टेक्स्ट पे जाके यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट आपने इसको करना है, तो बिहाइंड टेक्स्ट। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपका टेक्स्ट है वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि उसका कलर चेंज करना पड़ेगा, वो व्हाइट में करना पड़ सकता है आपको, या किसी अदर लेवल में। इस तरह से आप इसको पूरे को भी डेकोरेट कर सकते हैं, और जो अंदर का टेक्स्ट है हम इसको व्हाइट कर सकते हैं। सो ये भी एक लेवल का इम्प्रूवमेंट ही है।
और अगर उसको करके देखें तो इस तरह से हम ये कर पाएंगे। वो डिपेंड करता है आपका डिजाइन के ऊपर, हमने इसको अलग अलग लेवल पे बनाया है, आपने देखा ही है। तो ये है कि हमारा टेक्स्ट पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। इसको हम फिर इतना जैसा रख देते हैं इस तरह से, और फिर हमारे को देखिए इनके कलर्स पे भी हमारे को फर्क आएगा। ठीक है, अब ये जब हो जाए तो आपके पास इसमें और डिजाइन ऑप्शन में जाना, आपके पास यहाँ पे आ रही है कलर्स, ये आपको आपका जो थीम है ये पूरे के पूरे थीम को चेंज कर रहा है। आपने जो भी इमेज जो भी कलर सेट किए ये ऑप्शन आपको डिजाइन के अंदर आएगी, डिजाइन के अंदर से आपने ये ऑप्शन लेनी है, वहां से आपके पास ये सारी ऑप्शन आ जाएगी कि आपने कौन सा इसमें जो बढ़िया लग रहा है वो सेट कर देना है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपने रखा या उसी को ही हमने फाइनल है, दैट्स ओके कि उसमें इंप्रूवमेंट चली रहेगी। और किसी उस पे अलग पे जाना है तो आप डबल क्लिक करके फिर वही जो थीम है आपके इधर आ जाएगी ऊपर शेप फॉर्मेट के अंदर जो हमने उधर ली है, ताकि जो पूरा का पूरा जो हमारा ये कलर्स है वो फाइनल हो जाए, जो हमारा डिजाइन है दैट्स वो मैच हो जाए और बढ़िया हो जाए। अभी सिंगल कलर में ही हम ले रहे हैं तो हमने सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई चलो ऐसे भी हम ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जरूरी कि वो आप नहीं ले सकते हैं, ये सारी ऑप्शंस है। बाकी तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी है, थोड़ा सा वो भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और करेंगे तो फिर वो बेटर रहेगा। ये ऑप्शन है तो ऐसी है कि देखो अगर आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये चीजें होती जाएगी, और दैट्स ओके, ये हमने इस तरह से इसको सेट कर दिया। तो फिलहाल के लिए ये इट्स ओके, हमने इसको तैयार कर दिया, यहाँ पर टेक्स्ट हमारा कट गया। तो ये आपने बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें, और ये पूरे का कलर हमारे को चेंज करना पड़ेगा इस टेक्स्ट का। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हमने और चीजें आपने करनी है तो आप वो कर सकते हैं, इसमें जो भी आपको इम्प्रूवमेंट लगती है इसमें की जा सकती है, इट्स लाइक अ ब्रोशर। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कलर करेक्शन है, जो भी हमारे डिजाइन है अगर हमने उसमें चेंजेस करने, जो पिक्चर का हमारे पास ऑप्शन है उसमें से हमने करेक्ट करना है, ब्राइटनेस है कोई इसमें कम करना है तो आपने उसको सिलेक्ट कर देना है और वो इमेज इफेक्ट इमेज में रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखिए जैसे ये है तो ये करेक्शन यहाँ से किया ब्राइटनेस का। और इसके अलावा आर्टिस्टिक इफेक्ट अगर आपने देना है तो वो भी यहाँ पर आपके पास है। देखिए आर्टिस्टिक इफेक्ट आपने इमेज सिलेक्ट करनी है और उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद रहेंगे। लाइक दिस, सो ये हो गया। इसके अलावा कलर्स पूरे का पूरा इमेज का आपको बैकग्राउंड ही उस तरह से चेंज करना है अपने डिजाइन के हिसाब से, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, इस तरह से हो गया। ठीक है, और जो भी दिवाली ओकेजन है तो ओकेजन के अकॉर्डिंगली आपको कलर रखने होंगे, यानी कि उसका पूरा थीम होगा, जिस थीम के अकॉर्डिंगली आपको वो चलना होगा वही कलर आपको सेट करना है, और ज्यादा भी नहीं रखना है। अभी ये मेरे को थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको मैं कम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि जो टेक्स्ट है हमारे को वो भी पढ़ा जाना चाहिए। डिजाइन अच्छी बात है बट वो ओवर भी नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और अपने लेवल से आप इसको सेट कर सकते हैं जितना आपको जैसे ही आपको ठीक लग रहा हो। अगर हम इसको करते जाएंगे तो हम इसमें 2 घंटे भी लगा देंगे तब भी ये हम चलते रहेंगे, इसमें कुछ ना कुछ आपको नई ऑप्शन मिलती रहेगी, लेकिन एक बेसिक लेवल आपको पता लग जाएगा कि जी चलो इतना फाइनल हो गया, इतना बढ़िया है, इसको डन कर देते हैं। तो एक लेवल पे आके आप इसको खुद डन कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमने इसको बनाना है या कौन सा इसमें हमें सेटिंग रखना है। मकसद ये कि वो हर चीज पढ़ी भी जानी चाहिए और वो चीज फिर एक्चुअल में इफेक्ट करेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज के दौरान काफी कुछ चीजें सीखी होंगी, आपको काफी इसमें आइडिया हुआ होगा चीजों का। आप कमेंट करके बताएं और मैं नए में आपको और भी इस तरह की एक्सरसाइजेस बताता जाऊंगा। और मैं अब इस फाइल को सेव कर देता हूं, फाइल में जाएंगे तो आप यहां से इसको प्रिंट कर सकते हैं या इसको सेव एज पीडीएफ रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं, फाइल पे जाके सेव एज पीडीएफ
जिस पीसी के अंदर आप सेट करें, जहां भी आपको सेव करना है अपना फाइल, आपका जो फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स का, उसके अंदर आपने ये सेट करना है। ओके, और इस तरह से आप इसमें अपना फाइल का नाम देके वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इसके अलावा पीडीएफ, अगर किसी को पीडीएफ करके भेजना है तो आप पीडीएफ के रूप में इसको सेव करें और फिर उसको एज अ ईमेल अटैचमेंट आप भेज सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। और अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए हमें प्रिंट पे जाना है और इस तरह से हमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिंट आउट आएगा वो किस तरह का आएगा। तो हमने जो ये नीचे अभी बदलाव किए थे तो वो काफी नीचे आएंगे पेज में, और क्योंकि 0.5 का स्पेस भी हमारे को ये छोड़ना इसमें पड़ा है, तो काइंड ऑफ दिस। और इसमें थोड़ा सा हमारे को बदलाव करना पड़ेगा अगर हम पेज सेटअप की बात करें, लेकिन फिलहाल आपको ये है कि एक बेसिक लेवल ही समझना है अभी कि आप कम से कम इतना इसको इम्प्रूव कर पाए, फिर आगे चलेंगे और भी जो ऑप्शन है वो भी हम निकालेंगे। इसके अलावा इसमें अगर ये और भी देखें तो ये पेज कलर भी है, ये भी हम सेट कर सकते थे और इससे सेट करके भी हम इसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, जिस भी लेवल पे आपका कलर है, जो भी आपका डिजाइन है और जो जिस भी थीम के लिए आप ये बना रहे हैं, यानी कि जो भी ओकेजन का थीम है या जो प्रोग्राम है, ओकेजन है, जिस चीज का डॉक्यूमेंट है, तो वो हम बनाना जरूरी रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इट कंज्यूम लॉट्स ऑफ योर टाइम, बट यू लर्न मेनी थिंग्स इन दिस एंड आई होप यू विल लाइक इट एंड प्लीज एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।